हाँ जी बात करते हैं सर रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है सर रेजिडेंशियल स्टेटस सर रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है ना वो होता है डिपेंड करता है यहाँ पे दो कंडीशन चेक करने होते हैं सर एक करना होता है हमें बेसिक कंडीशन सर बेसिक कंडीशन में क्या सीखा है हमने बेसिक कंडीशन का मतलब होता है आपको दो बातों का ख्याल रखना था या तो आपको इंडिया के अंदर स्टे करना है कितने 182 डेज या फिर आपको 60 डेज एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन लास्ट फोर ईयर जिसको प्रीसीडिंग बोलेंगे अकाउंटिंग लैंग्वेज में जिसको हम प्रीसीडिंग बोलते हैं ठीक है ना पिछले को क्या वैसे तो प्रीसीडिंग पिछला ही होता है बट यहां पे लॉ में यही वर्ड ज्यादा यूज होता है इसके अलावा एक्सेप्शन केस के अंदर क्या होता है सर सर एक्सेप्शन में जो ये साठ दिन है ना ये बदल जाता है कितने दिन में एक दिन में जो कि हम कर चुके हैं अगर आपने ये कंडीशन कंप्लीट किया तो आप रेजिडेंट माने जाओगे साथ के साथ अब जो हमारा स्टार्ट होगा एडिशनल कंडीशन सर अब यह एडिशनल कंडीशन क्या है देखिए जो गवर्नमेंट है ना गवर्नमेंट सबसे पहले बेसिक कंडीशन अप्लाई करेगा उसके बाद एक और रूल अप्लाई करेगा कि आपके सारी इनकम पे टैक्स लिया जाए या कुछ पार्ट वाले इनकम पे टैक्स लिया जाए ऐसा हो सकता है ना कि कुछ पैसे आपने इंडिया में कमाए और कुछ पैसे आपके फॉरेन में कमाई हो रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में अगर सब पे टैक्स लगा दिया जाए इंडिया वाले इनकम पे भी फॉरेन वाले इनकम पे भी भाई तुम इंडिया में टैक्स दोगे तो ये गलत हो जाएगा तो गवर्नमेंट आपका स्टेटस चेक करेगी कि अगर आपका स्टेटस मान लेते हैं सिंपल रेजिडेंट है तो सारी इनकम पे टैक्स नहीं देना उसको कुछ एक पार्ट पे देना होगा वो चीजें भी हम सीखेंगे एक और पर्टिकुलर हम कंडीशन लगाएंगे अगर ये कंडीशन में भी वो सेटिस्फाई कर जाता है इस कंडीशन के अंदर भी आ जाता है तब बोलेंगे भैया तुम्हें सारी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा टोटल चाहे इंडिया से कमा रहे हो चाहे कहीं से भी कमा रहे हो लेंगे हम तुमसे टैक्स तो मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूं तो फटाफट से हम देखते हैं सर एडिशनल कंडीशन में सरकार ने क्या प्रोविजन बनाए हैं तो एडिशनल कंडीशन में सरकार कहते हैं सर यहां पे दो एडिशनल कंडीशन है अगर दोनों आपने फुलफिल किया तब तो आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है आपके सारे इनकम पे हम टैक्स ले लेंगे सर दोनों कौन से फुलफिल किया बोला गया कि आपको टू टाइम रेजिडेंट होना है इन लास्ट लास्ट का मतलब पिछले इन लास्ट टेन ईयर यानी सर आपको सिंपल सी बात कहूं ना तो दस सालों में अगर आपने दो बार बेसिक कंडीशन पूरी कर दिए सर समझा नहीं जैसे मान लो ईयर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन दस साल हो गए करंट ईयर का तो निकाल ही रहे हम करंट ईयर को छोड़ दो प्रिडिंग पे चले जाते हैं और इसमें मान लो वो रहता है तीन सौ पैंसठ दिन क्या यहां पे दूसरे साल में रेजिडेंट है या नहीं है वो रहता है पूरे साल पूरे साल रहने के लिए कंडीशन क्या है एक सौ बयासी दिन रहना है तो बताओ ये रेजिडेंट है या नहीं है? है अब एक बार तो हो गया रेजिडेंट वो यहां पर रहता था अस्सी दिन यहां पे रहता था सौ दिन यहां पे रहता था 140 दिन यहां पे रहता था वो 180 दिन यहां पे रहता था वो 120 दिन तो अब दूसरा देखते हैं यहां पे तो वो बन गया आर समझिएगा बात को मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा घबराने की कोई जरूरत नहीं है अभी मैंने कहा पिछले दस सालों में दो बार क्या होना चाहिए बेसिक कंडीशन कंप्लीट तो पिछले दस साल में एक बार तो कर चुका अब इस साल में चेक करो इस साल में तो नहीं कर रहा वो लेकिन दूसरे वाला तो लग सकता है ना कौन सा ये वाला साठ और चेक करो क्या पिछले चार सालों में तीन हो रहे हैं यानी सर यहां भी आ रहे है वो दो बार हो गया ना रेजिडेंट तो अगर तरी, इस तरीके से दो बार रेजिडेंट हो जाता है तो हम बोलेंगे कि आपने एडिशनल कंडीशन नंबर वन एडिशनल कंडीशन नंबर वन कंप्लीट कर दिया हम ये बोलेंगे यानी एडिशनल कंडीशन भी दो है तो आपने क्या करा एडिशनल कंडीशन नंबर वन कंप्लीट कर दिया कैसे क्योंकि आपको दो बार क्या करना पड़ा रेजिडेंट मैं क्वेश्चन करवाऊंगा अभी सिर्फ आप सुन लो फिर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तभी अच्छे से एग्जाम्पल देंगे फिर करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा अभी तो चलो रहने देते हैं दूसरा बोला कि सर लास्ट ईयर लास्ट सेवन ईयर में 730 दिन अगर आप इंडिया में हो तो आपने क्या करा इन In इंडिया तो आपने क्या करा सेकंड बेसिक कंडीशन भी मान लिया जाएगा कंप्लीट कर दिया है कौन से वाला सेकंड तो बेसिक बेसिक मैंने बोल दिया गलती से एडिशनल कंडीशन सर एडिशनल कंडीशन कितनी है दो एक कंडीशन बोलता है पिछले दस सालों में दो बार रेजिडेंट होना है दूसरा एडिशनल कंडीशन बोलता है सात सालों में कितने दिन होने सात सौ तीस दिन अगर आप ये भी कंप्लीट कर रहे हो ये भी कंप्लीट कर रहे हो तो सरकार आपसे सब पे ले ले इनकम पे टैक्स लेगी सारी इनकम पे लेगी हम देखेंगे जब डिटरमाइन करेंगे और यह दोनों इकट्ठा कंप्लीट होना जरूरी है सर किसी ने क्या करा कुछ बच्चों के क्वेश्चन होंगे अब मैं स्टेटस दूंगा किसी ने इसमें से एक कर दिया और इसमें से भी एक कर दिया तो वो इसमें से एक करता है तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी माना जाएगा उसने एक ही की करा तो यहां पे तीन रेजिडेंशियल स्टेटस होता है नॉर्मली तीन सर कौन कौन से हो जाते हैं यहां पे वो मैं लिखता हूं फिर आप समझना तीन होता है नंबर वन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा आर ओ आर सर कब बनेगा ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब बनेगा ये जब वो जब वो कोई भी एक बेसिक कंडीशन पूरी कर दे बेसिक कंडीशन प्लस बोथ क्या कर दे एडिशनल थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ठीक है अगर कोई व्यक्ति बेसिक कंडीशन इन दोनों में से कोई एक कंप्लीट कर दे और दोनों एडिशनल कंडीशन कंप्लीट कर दे तो तुम्हारा स्टेटस हो गया आर ओ आर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा और एग्जाम में आर ओ आर एनओ आर लिखना अलाउड है स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये ठीक है ना उसको फुल फॉर्म क्या है रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट सर दूसरा क्या है दूसरा हो सकता है ऑर्डिनरी सर इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा एनओआर सर इसके लिए क्या होता है एनओआर कब बन सकते हो आपको कोई भी एक कोई भी एक बेसिक कंडीशन कंप्लीट करें प्लस आप कोई एक एडिशनल कंडीशन कंप्लीट कर दें या फिर आप जीरो एडिशनल कंडीशन कंप्लीट करें ये जीरो है कहने का मतलब है सर अगर आपने ये कंडीशन कंप्लीट किया उसके बाद एक ये कर रहे हो तो कोई वैल्यू नहीं है कोई फायदा नहीं हुआ दोनों करोगे तब बात बनेगी आप बोले सर मैंने ये वाला कर दिया क्या फर्क पड़ता है कोई मतलब नहीं आप बोलोगे सर ये नहीं हो पाया ये हो गया मैंने कोई फर्क नहीं पड़ रहा या तो कोई भी एक कर दो या जीरो करो कोई भी ना करो तब आपका स्टेटस होगा एनओ यानी सर आपको अगर तीन ये वाला कंडीशन पूरा करते हो और साल में दो बार दस साल में दो बार रेजिडेंट हो जाते हो और सात सौ तीस दिन भी हो जाते हो सात सालों में तब आपको स्टेटस मिल जाएगा आर ओ आर का लेकिन अगर आप बेसिक कंडीशन पूरा करते हो फिर इसमें से एक कर देते हो एक कर देते हो तो कोई फायदा नहीं तब आपको स्टेटस क्या मिलेगा एनओ आर तीसरा होता है नॉन रेजिडेंट सर नॉन रेजिडेंट कब मिलेगा इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोले बोलो एनआर तो नॉन रेजिडेंट कब होता है सर नॉन रेजिडेंट कब होता है जब वो जीरो बेसिक कंडीशन कंप्लीट कर रहा है ओबीसी नहीं है ये जीरो है ठीक है लिख देते हैं जीरो बेसिक कंडीशन यानी ना तो ये कर पाया ना तो यह कर पाया जो व्यक्ति बेसिक कंडीशन कंप्लीट नहीं कर पा रहा उसके लिए हमें उसके चेक करने की कोई जरूरत नहीं है अगर किसी व्यक्ति ने एक कंडीशन कंप्लीट कर दिया और सर ये वाला कंप्लीट ही नहीं कर पाया तो उसके लिए यह भी मत चेक करना फायदा ही नहीं है समझे बात तो आपके तीन स्टेटस में कन्वर्ट हो गया ये आर ओ आर आर एनआर आर ओ आर क्या होता है सर रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ये कब होगा एक बेसिक कंडीशन कंप्लीट करो और दोनों एडिशनल कंडीशन कंप्लीट करो सर एडिशनल कंडीशन क्या है आपको 10 सालों में दो बार रेजिडेंट होना पड़ेगा या और साथ के साथ पिछले सात सालों में 730 दिन इंडिया में होना चाहिए इकट्ठा जरूरी नहीं है टुकड़ों में भी हो सकता है जैसे कि कई बार क्या होगा कि साल में दस दिन के लिए आए फिर चले गए फिर पांच दिन के लिए आए फिर चले गए तो वो पूरे साल का काउंट हो जाएगा इस कंटिन्यूअस तो, नहीं रुकना अगर आपने बेसिक कंडीशन एक कंप्लीट कर दिया या बेसिक कंडीशन दोनों भी कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेसिक कंडीशन एक कंप्लीट कर दिया लेकिन एडिशनल कंडीशन कोई भी आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो ऐसे सिचुएशन में आपका स्टेटस क्या पड़ने वाला है एनओ NO. अगर आपने बेसिक कंडीशन एक कंप्लीट कर दिया और एडिशनल कंडीशन भी एक कंप्लीट कर दिया तब आपका क्या स्टेटस होगा एनओ NO. आर अगर आपने बेसिक कंडीशन ही कंप्लीट नहीं किया और एडिशनल कंडीशन तो छोड़ दो आप एनआर बन जाएगा सर एडिशनल कंडीशन क्या है आपको दो बार रेजिडेंट होना पड़ेगा दो बार टू टाइम इसका मतलब मैं बोलू टू टाइम आपको बेसिक कंडीशन कंप्लीट करना होगा है ना दो बार रेजिडेंट होने का मतलब क्या दो बार ऐसे ऐसे वाले कंडीशन पूरे करो तो दो बार और यह तो साधारण से गिनती है सात सालों में कितने दिनों ने सात सौ जब तक हम इस पर कुछ क्वेश्चंस नहीं कर लेते प्रैक्टिकल तब तक मैं कितना भी समझाता रहूं तो आपको समझ में ज्यादा नहीं आएगा तो चलिए हम प्रैक्टिकल करते हैं इस पर स्टार्ट ठीक है इस पर हम करते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल के नहीं पूरा देंगे आपको इमेज बाद में रुक जाऊ

अगली क्लास तक मैं खत्म कर दूंगा या उससे अगली क्लास उसके बाद मैं मार्जिनल रिलीफ और जो आप जो दूसरा सेक्शन कह रहे हो 115 बी ए सी ये होता है न्यू रिजिम का ये भी बता दिया जाएगा बट न्यू रिजिम का सेक्शन तब तक बता के फायदा नहीं होगा आपको आप समझना जब तक कि आपको सैलरी नहीं आता वो सिर्फ सैलरी के लिए ही बनाया गया था चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2007 में तो प्रीवियस ईयर के ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे प्लस बुक के भी करेंगे एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन अब एग्जाम वाले करवा देता हूँ ना तो उससे बेनिफिट ये होता है कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो आपका एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि सर क्या ये एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है क्योंकि आया हुआ है भाई और फिर वही टॉपिक किया है कर लिया है तो थोड़ा तसल्ली रहेगा हाँ जो सीखा है वही अप्लाई किया है चलिए क्वेश्चन पढ़े कहता है मिस्टर एक्स एन इंडियन एक्टर अच्छा इंडिया में काम करता है यानी कोई ड्रामा थिएटर वगैरह में काम कर रहा है टू वो यूएसए गया किस लिए गया भाई फर्स्ट अप्रैल 2020 में चला गया यूएसए फॉर द फिल्म शूटिंग मूवी बनाने जा रहा है एक अप्रैल को चला गया भाई फाइनेंशियल स्टार्ट होते ही निकल लिया ड्यू टू इल हेल्थ He had stay there just after कहता है कि कुछ हेल्थ की दिक्कत की वजह से उसने क्या करा वहां पे बस शूटिंग टाइम तक रुका और फिर वापस जल्दी से भाग के इंडिया आ गया he came back to बहुत जल्दी जल्दी क्या करा चलो इंडिया चलो भाई यहाँ पे तो हालत खराब हो रही है हमारी 25 सितंबर को वापस आया 2020 में उसी साल ही हैड गो अगेन यूएसए अभी भी बाज नहीं आया फिर दोबारा चला गया यूएसए आने के बाद फिर दोबारा चले गया यूएसए और 8 दिसंबर 2020 में गया यूएसए फिर रिटर्न आया वो 15 फेब 2021 हजार इक्कीस इज द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर ट्वेंटी वन इसके लिए क्या आपका रेजिडेंशियल स्टेटस होगा ये बताना है अब देखिए आप ये मान के चलिए इंडियन एक्टर है तो वो हमेशा इंडिया में रहा था और पहली बार गया था वो कहा बाहर तो सबसे पहले अगर 21 22 के लिए पूछ रहा है तो हमें कैलकुलेशन करना है किसके लिए बीस इक्कीस के लिए, लिए। क्योंकि हम तो प्रीवियस ईयर काउंट करते हैं ना तो सर एक टाइम डेट बना लेते हैं जिससे आसानी रहे थोड़ा चलिए ये हमारा पूरा ईयर है ठीक है इस ईयर की हम बात करें तो यहां स्टार्ट हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है सर स्टार्ट कहां हो रहा है ये एक चार दो हजार बीस और खत्म कहां हो जाएगा इकतीस तीन दो हजार इक्कीस ठीक है समझिएगा बहुत सिंपल सा टॉपिक है और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी अब फटाफट से समझ में आ जाएगा जो अभी तक सीखा है सब अप्लाई कर लेंगे इसमें कहने का मतलब है वो पहली बार इंडिया में इस डेट से इंडिया से बाहर चले गया इंडिया से बाहर जाने के लिए मैं ग्रीन यूज कर लेता हूँ वो एक अप्रैल को इंडिया से बाहर गया यानी ये वाला जो टाइम है ना वो इंडिया से बाहर चल रहा है वो वो ग्रीन वाला सर इंडिया से बाहर गया रिटर्न कब आया वो? अब ध्यान रखना एक अप्रैल को गया था तो मैंने बोला डे ऑफ डिपार्चर भी कहा काउंट होगा इंडिया के अंदर काउंट होगा यही याद रखना है आपको छोटी सी बात तो सर ये इंडिया से चला गया एक अप्रैल को और वापसी जो आया था ना शूटिंग खत्म करने के बाद पच्चीस सेप्टेम्बर को 25 सितंबर को वापस आया तो डे ऑफ अराइवल भी इंडिया में काउंट होगा तो ठीक है सर यानी इंडूरेशन में देखा जाए अगर मैं यहां से यहां की बात करूं आपसे तो इंडिया में कितने दिन है यहां से यहां तक दो दिन भाई एक अप्रैल को गया 25 को आया तो भारत में कितने दिन है एक दिन जाने वाला एक दिन आने वाला इसके बाद की बात करते हैं हम आगे कहता है वो दोबारा चले 8 आठ दिसंबर को इसका मतलब सर दोबारा आठ दिसंबर को अगर वो चला जाता है तो मैं यहां पे डेडलाइन बना लेता हूं आठ दिसंबर सर अगर दोबारा वो आठ दिसंबर को चला गया तो यहां से लेके यहां से लेके यहां तक जो भी टाइम होगा वो कहां पे होगा इंडिया में होगा करेक्ट अब आगे चलते हैं सर इसके बाद देखा जाए अब देखो इंडिया से बाहर गया है वो किस लिए गया है और ये भी कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयमेंट का पार्ट माना जाता है एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब के तो एक्सेप्शन केस के अंदर फॉल कर रहा है नहीं कर रहा ये कर रहा है यानी इसके लिए कौन सा बना होगा सिर्फ एक सौ yes. दिन वाला देखेंगे ठीक है इसके बाद फिर दिसंबर में जब गया ये फिर दोबारा वापसी आया फैब 21 में तो यानी कुछ इस दूरी पे वापसी आ गया वो यहां वापसी आया होगा वो थोड़ा सा उसको और थोड़ा आगे कर दे है कोई बात नहीं जगह कम पड़ गया कोई दिक्कत नहीं यानी फिर यहां पे वापसी आ गया वो डेट यहां पे और डेट था पंद्रह फेब 2000 ध्यान से देखना देखो जहां आप ध्यान हटाओगे ना वहीं फिर आपको समझ में आना बंद हो जाएगा यानी सर जो एरिया ये वाला है ना जिसपे मैं डॉट डॉट बना देता हूँ ये वाला जो एरिया है वो इंडिया के अंदर है ठीक है टाइम देख लेंगे इसके बाद यहां से चला गया ये वाला एरिया कौन सा है ये इंडिया में नहीं है क्रॉस लगा दिया उसके बाद इंडिया में आ गया वो फैब में तो यहां से यहां तक एरिया कहां पे है वो इंडिया में है ठीक है और इससे पहले बात मैं करूं तो जो भी साल ले लो इससे पुराना साल क्या आएगा सर इससे पुराना साल आएगा 1920 कहां था तीन सौ पैंसठ दिन के लिए अठारह उन्नीस कहां था तीन सौ पैंसठ क्योंकि बोला फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम बोला इसने नहीं बोला तो मान लो कि इंडिया में पहली बार जा रहा है ये तो ये भी इंडिया में था इससे पहले आप सत्रह अठारह ले लो तीन सौ पैंसठ दिन इंडिया में ये मैं पहले की कहानी बता रहा हूं पहले तो हम करंट में बेसिक कंडीशन चेक करेंगे तभी तो एडिशनल पे जा पाएंगे अब सर हम डेज कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं अप्रैल में कितने दिन अप्रैल के बाद सितंबर में नहीं सितंबर में देखो वो वापसी आया तो यहां से यहां तक रह गया यानी सितंबर से बात करूं मैं तो आप ऐसे काउंट करना सितंबर से लेके एट दिसंबर तक या अलग अलग कर दूं अलग अलग कर देते हैं ताकि आसानी रहेगी सितंबर में 25 को वापस आया तो 25 भी इंडिया में 25, 26, 27, 28, उनतीस तीस छतने दिन सिक्स डेज दिन? समझ रहे हो अक्टूबर में इंडिया में ही है पूरे इकतीस दिन नवंबर में तीस दिन पूरे इंडिया में है दिसंबर में आठ दिन जिस दिन गया वो दिन भी काउंट करेंगे जनवरी में फिर नहीं है वो जैन की बात करें तो नहीं है जैन के अंदर तो जो नहीं है उसको जीरो में लिख रहा हूं ठीक है एक लिख दिया मैंने फैब में सर फैब में आया है वो पंद्रह फैब को आया है दो हजार इक्कीस है तो ईयर कौन सा होगा अट्ठाईस दिन का तो पंद्रह फैब को आया होगा तो पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस कितने दिन हो गए चार सोलह दो अठारह दिन हो गए सही से काउंट कर लेना एक बार चौदह हुए तीन छह तीन नौ तीन बारह दो चौदह फोर्टीन डेज भाई जिन बच्चों को समझ में ना आए कमेंट में भी जवाब देना फोर्टीन डेज फैब के बाद बात करते हैं फैब पूरा हो गया मार्च की बात कर लो चलो मार्च इंडिया में ही है वो इसका टोटल कर लेते हैं पहले पहले ये देखिए दिन निकालना आया नहीं हम निकाल लेंगे पहले दिन निकालना आया ये ठीक है एक सौ एक सौ इक्कीस सही कैलकुलेशन करना क्योंकि एक दिन से उसके टैक्स के ऊपर फर्क पड़ जाएगा सर 121 दिन हुआ अब मुद्दे की बात है यहां दो सिचुएशन हो सकता है या तो आप उसे मानिए कि वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए गया है या मत मानिए क्योंकि शूटिंग के लिए गया है तो कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट पर्पस के लिए नहीं भी हो सकता लेकिन मैं मान के चल रहा हूं इंप्लॉयमेंट पर्पस के लिए गया है तो अगर कोई व्यक्ति इंप्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर जाता है तो उसके लिए हमारा सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन अप्लाई होता है जो कि कौन सा है 180, तो इसने वन एटी टू डेज तो करंट ईयर में कंप्लीटेड नहीं किया तो क्या एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे नहीं करेंगे इसका स्टेटस बता दो सर इसका स्टेटस है लेकिन क्या ऐसे लिख के आ जाओगे एग्जाम में आपने ये सब जो किया है ये तो वर्किंग नोट है वहां पे सिर्फ छह नंबर का क्वेश्चन आया तो आप लिख दोगे नहीं चलेगा ऐसे आपको पूरा सिचुएशन डिफाइन करना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा मिस्टर एक्स इंडियन एक्टर है वेंट टू यूएसए और यूएसए से यहां गया और ये कैलकुलेशन समझाना पड़ेगा एस पर इनकम टैक्स एक्ट इफ एस एस सी एनओ आर के एनआर के कंडीशन को बताना पड़ेगा अगर किसी भी एस एस सी ने अगर बेसिक कंडीशन कंप्लीट नहीं किया है जो कि है डेज डेज और 63, वाला तो हम उसे नॉन रेजिडेंट के कैटेगरी में चेक करेंगे ये सारी बातें आपको लिख के दिखाना होगा आंसर भी दिखा देते हैं कैसे लिखा हुआ होगा आपका ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए ये देखिए राइटनेस कम कर दें चलिए सर आंसर को देखते हैं कैसे लिखना है इट इज परज्यूम हमने मान लिया प्रायर टू प्रीवियस ईयर इक्कीस बाइस मिस्टर हैज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया इन ऑल द प्रीवियस ईयर मतलब हमने एक अजम्पशन ले लिया क्योंकि क्वेश्चन में कुछ साइलेंट था कि प्रायर पीरियड में इसका कोई रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं था प्रीवियस ईयर में स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सर क्या स्टे हुआ इसने बताया सर अप्रैल में एक दिन मैंने भी निकाला सितंबर में छह दिन मैंने भी निकाला अक्टूबर में इकतीस दिन नवंबर में तीस दिसंबर में याद आ रहा है यही सब हमने निकाल के एक सौ इक्कीस ऐसे लिखना है मैं प्रॉपर सॉल्यूशन दे दूंगा एक दो इसको देख के लिखोगे तो आपको हैबिट हो जाएगा और समझ में आने लग जाएगा आगे कहता है मिस्टर एक्स इन इंडिया फॉर एटलीस्ट सिक्सटी डेज कहता है कि मिस्टर एक्स इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट सिक्सटी डेज एक्चुअल स्टे 121 यानी ये जो आंसर जो गिवन है इसका आंसर भी यहां पे गिवन है ये देखिए ये वाला आंसर है जो मैंने बताया ये ये वाला वाला क्या मान के चल रहा है ये वाला जो आंसर दिया है ये ये मान के चल रहे हैं कि मिस्टर एक्स ना एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए नहीं गया नॉर्मली गया एक बार वैसे बता दिया क्योंकि क्वेश्चन में साइलेंट है कि शूटिंग को हम एम्प्लॉयमेंट में काउंट करेंगे या फिर नहीं करेंगे तो यहां पे मैं इसको दो एस्पेक्ट से लेके चल रहा हूं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं समझ में आ रहा है मैंने बोला कि भैया एक्स किस लिए गया शूटिंग के लिए चलिए छोड़िए ये सारी बातें लिख दी आप शूटिंग के हिसाब से देखें बीच वाली बातें आपके काम की नहीं है अभी एक दो क्वेश्चन के बाद काम की हो जाएगी ये यहां से पढ़िए इफ गोइंग यूएसए फॉर फिल्म शूटिंग इज ट्रीटेड एज ए एम्प्लॉयमेंट हिज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर कितने दिन एक सौ लिख दिया एक दिन He will be fall category of non-resident because of stay in India less than 182 days. Bus likha kam khatam. Clear?